चलो बाबू ध्यान से देखिएगा अभी तक 19.5 तक में कोई बता सकता है कि इंटीग्रेशन का कितना फार्मूला लिखा चुका है? मैं इंटीग्रेशन की फार्मूला की बात कर रहा हूँ, जैसे देखिएगा। सबसे पहले बताऊं तो जरा साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता? माइनस छोड़ो सी कॉस एक्स प्लस क्या चीज। दूसरा बताओ इसके बाद कॉस एक्स का क्या बताया? साइन एक्स। तो प्लस खाली हुए बोलते रहना। आगे बोलो इसके बाद किसका इंटीग्रेशन बताए थे? सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का बताओ। टाइन एक्स प्लस सी। इसके बाद बताओ कॉस एक्स डीएक्स का बोलो। माइनस एक्स प्लस का चीज। आगे बताओ पांचवा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या? सेक एक्स प्लस सी। इसके बाद बताओ छठा कॉसेक एक्स प्लस का चीज कॉट एक्स। इसका इंटीग्रेशन इंटू माइनस का चीज कॉसेक एक्स प्लस सी। इन्हीं बोलना बताओ अगर त्रिकोणमिति फंक्शन क्या, अगर त्रिकोणमिति फंक्शन की हम बात करें यही इतना का डिफरेंशियल जानते हैं ना इंटीग्रेशन। जरा अब तुम लोग हमें बताना अगर हम लिख दिए जो चीज नहीं लिखा उसका इंटीग्रेशन पूछे। बताओ सबसे पहले क्या तुम सेक एक्स का इंटीग्रेशन जान रहा है अभी तक? नहीं। आगे बताओ तो क्या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जान रहा है? आगे बताओ क्या तुम कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जान रहा है? अच्छा आगे बताओ क्या तुम टेन एक्स का इंटीग्रेशन जान रहा है? नहीं जान रहा। अगर तुम इन चारों को जान लिया तो आईलेट में कितने फंक्शन होते हैं? आईलेट देखो पढ़ने का बेस अगर पकड़ के चलना आईलेट में कितने फंक्शन होते हैं? पांच, जिसमें से थोड़ा जेबरा सॉरी आईलेट आई एल ए टी ठीक है आई फोर बस एल फोर लगता ए फोर क्या चीज फोर त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का यदि ये चारों तुम जान लिया तो त्रिकोणमिति का सारा फंक्शन का तुम इंटीग्रेशन जान लिया। क्या इतना तक पता था? अभी तक इतना पता है तो ये चारों को हम यहाँ पहले सीखेंगे तब इसमें जाके हाथ लगाएंगे। यदि ये चारों सीख गए तब फिर बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा ठीक है। तो यदि हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दें तो उसको याद कर जाओ और नहीं तो पहले देख लो कि होता है कैसे, ये पहले सीख लेते हैं तब फिर अपने आप पता चलेगा ठीक है। तो सबसे पहले हम किसका इंटीग्रेशन देखने जाएंगे बताओ? सेक एक्स का। चलो देखो सेक एक्स डी एक्स का समाकलन याद करें। क्या याद करें? समाकलन याद करें। देखो बाबू यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम कॉस एक्स से लिखे माइनस कॉस एक्स, कोई पूछा कि कैसे माइनस कॉस एक्स हो? नहीं ना पूछा। इसलिए नहीं पूछा क्योंकि ये छेबो जो है सर्वमान है, सब लोग यही जानता है। लेकिन ये चारों का सब लोग जानेगा लेकिन ये चारों आता कैसे है आप बराबर पूछता ठीक है। तो इसको पहले जानकारी रखेंगे कि कैसे आता। ध्यान से देखो इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। अच्छा बताओ तो ये sec x इनटू देखो ध्यान से sec x प्लस tan x हम इसमें गुणा किए तो जितना से गुणा किए उतना से हम भागा दे सकते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ। अभी तक कुछ किए? हाँ। dx काम करता हूँ मैंने जितना से हम गुणा किए उतना ही से हम क्या दे दिए? आधा।
पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे थे और ये 9 तक जाएगा सब्स्टिट्यूशन। 19 पॉइंट कितना तक जाएगा? 9 तक। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन तक। तो जब ये 9 तक जाएगा तो इसमें इसका जो इंटीग्रेशन भी बनेगा वो सब्स्टिट्यूशन से बनेगा, प्रतिस्थापन से। अब तुम्हें यहाँ दिमाग क्या लगाना है कि क्या हम पुट करेंगे तो ऊपर वाला हटेगा। ध्यान से देखो, सबसे पहले ऊपर सेकेंड है ना, उसको तुम गुणा कर दो। तो बोलो गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर x प्लस sec x इनटू tan x। अरे यही होगा। अब बटा में क्या चीज? sec x प्लस क्या tan x, काम खत्म। अब तुम ध्यान से देखो, यदि तुम नीचे वाला पुट करता है तो ऊपर वाला हट जाता है। देखो पुट z बराबर sec x प्लस क्या लिखेंगे? tan x। तो जैसे ही पुट करेंगे उसका क्या करेंगे? तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x, और tan x के डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। काम करता हूं, ये भागा में तो इधर आएगा क्या होता? तो sec x इनटू tan x प्लस sec स्क्वायर x इनटू क्या हो जाती है? तुम ध्यान से देखो, अब जो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये हो गया ना। तो देखो नाउ जरा बताओ, sec स्क्वायर प्लस sec x इनटू tan x बोले या sec x इनटू tan x प्लस sec स्क्वायर, वही बात है कि दूसरा ही है? वही है ना। तो इतना का मान हम क्या लिखेंगे? dz। काम खत्म। अब नीचे का तू क्या पुट किया? ये पुट किया ना, तो क्या हो जाएगा? जे बोलो ऑन इंटीग्रेशन। आप बोलो तो 1/z का इंटीग्रेशन लॉग क्या हो गया? जे। काम खत्म। आप बोलो तो तू जेड का क्या पुट किया है? हाँ, sec x प्लस क्या चीज? एनी प्रॉब्लम? तो बाबू अगर तुमसे कोई देखो ध्यान से, अगर प्लस ही हाँ, अगर तुमसे कोई बोले कि बताओ log sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस tan x। यही नहीं, अब इसका तीन गो भाव होगा। देखो log, बताओ sec को हम क्या लिख सकते हैं और tan को क्या लिखेंगे? दिखाएगा। अच्छा बताओ तो ये हो गया log, बोलो तो LCM क्या चीज? cos x स्क्वायर, cos x ना, तो 1 प्लस क्या चीज? sin x। एनी प्रॉब्लम? अच्छा तुम फार्मूला जो जानता है वो 1 प्लस cos का जानता है कि 1 प्लस sin का? 1 प्लस cos का जानता है। तो sin को हम cos में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस cos pi / 2 - x। एक लिखाएगा और नीचे में बताओ sin 2x का फार्मूला जानता है कि cos 2x का? यहां लगाना है sin 2x का, ठीक है? तो इसको हम साइन में बदल देंगे तो क्या लिखेंगे? साइन पाई बाई टू माइनस। एनी प्रॉब्लम? बोलो, ऊपर में हम 1 प्लस कॉस का जानते हैं, कॉस लिख दिए। नीचे में एक विद्यार्थी बोल दिया हम दोनों का जानते हैं, लेकिन ये अल्टरनेट होता है, यदि ऊपर कॉस तो नीचे क्या चीज? साइन। तो आप बताओ तो जरा इसका फॉर्मूला तुम क्या जानता है? 1 प्लस कॉस x का 2 कॉस स्क्वायर उसका आधा यानी x by 2। तो बोलो क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर इसका आधा तो pi by 4 - x by 2। आप बोलो इसका फार्मूला sin 2x का? बोलो 2 sin x माने आधा, तो क्या लिखेंगे? 2 sin pi by 4 - x by 2 into cos pi by 4 - x by 2। एनी प्रॉब्लम? 2 से 2 कॉस ए तो कॉस क्या बच्चा होगा जरा? अच्छा बता, ये छह का फॉर्मूला हटा दे ऊपर वाला। काम तो मेरे चारों से है ना। देखो बताओ तो ये क्या हो गया? लॉग कॉट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। ये प्रॉब्लम प्लस क्या चीज थी? देखो ध्यान से, अभी दो फॉर्मूला हो गया। सबसे पहला sec का इंटीग्रेशन यदि बोलेगा sec tan में तो क्या हो जाएगा? sec x प्लस tan। अगर cot में बोलेगा तो क्या होगा? cot में बोले इंटीग्रेशन ले तो log cot pi / 4 - x / 2। अगर हम tan में पूछेंगे तो बता दो जरा,
देखो ध्यान से, यदि हम इसको टेन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन बोलो 90 डिग्री यानी पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर माइनस सिक्स बाय टू प्लस क्या चीज लगा दी। अब बोलो क्या हो गया लॉग टेन, बताओ तो क्या जाएगा पाई बाय टू माइनस पाई बटे फोर अब प्लस क्या चीज एक्स बटा टू करे माइनस से गुना कर दिए दोनों ने अब प्लस क्या आसी मौखिक बताओ कितना हो जाएगा ये दोनों में एलसीएम लेंगे कितना मौखिक बता एलसीएम लगा चार तो टू पाई में से पाई क्या क्या बचेगा पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू एनी प्रॉब्लम प्लस। ध्यान से देखो यही तीन फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है सेक का। बोलो सेक का इंटीग्रेशन कॉट में क्या होता है लॉग कॉट पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू। बोलो टेन में क्या होता है पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू। तो जरा ध्यान से देखो यदि हम इस चारों को इतना हम करने जाए तो कोई फायदा है? है क्योंकि अगर आ गया कि sec x का क्या तो बनाना पड़ेगा उसी तरह से cos x का दे देगा तो बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो अभी तुम लोग सबसे पहले कितना नोट करेगा और ये फॉर्मूला के लास्ट में इकट्ठा कर देंगे ठीक है। तो जल्दी से नोट करो इसको फोटो चलो मिटाया जाए इसको। सबसे पहले बताओ sec x का इंटीग्रेशन कै गो एगो कै गो है मुठिया भी दे कै गो तीन गो एक यहाँ दिख रहा वहाँ और यहाँ अगर हम अभी मिटा करके पूछेंगे तो बता देगा सबसे पहले तुम लोग हमें बताना sec x का इंटीग्रेशन बताना रुक जाओ sec x dx का बोलो सबसे पहले सबका तो होगा किसी में लॉग इधर जितना जो लिखा होगा ना चारों का इंटीग्रेशन लॉग में होगा किसमें होगा लॉग में तो बोलो लॉग sec x प्लस tan x प्लस 3 और बोलो इसी का log cot pi by 4 minus x by 2 plus क्या चीज आगे बोलो इसी का log tan pi by 4 plus x by 2 अब plus क्या ये तीनों याद हो गया ना। इसी तरह से cos h दे खुद से नहीं लिखना यहां लिखा जाएगा log देखो sec का log प्लस में है लेकिन देखो sec का समान sec tan से और cos का समान cos cot से तो ये क्या हो जाएगा cos x और क्या चाहिए cot x। अब तुम कहेगा कि बीच में क्या होगा सब लोग जानता है जो c से शुरू होता है उगाना है तो यहाँ क्या हो गया ये माइनस में तो बोलो cos x का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे log cos x माइनस cot x और sec का क्या लिखेंगे log sec x प्लस। इसका एक और याद रखेंगे log tan x by 2 और प्लस क्या चीज ये cos x का इंटीग्रेशन cos x का दो गो एक log cos x माइनस cot x प्लस सी और दूसरा log tan x by 2 प्लस क्या चीज सी। तो सबसे पहले sec और cos का दो फॉर्मूला उसके नीचे बोर्ड में पर के नीचे लिखेगा जल्दी उसी के नीचे नहीं बस उतना सबका सीखना ना आता तो नहीं यूज करने का डायरेक्ट। हो गया अगला बताओ ये sec और cos हो गया क्या बचा cot x dx इसका भी दो एक log sin x plus c और एक minus log cos x plus c ये दोनों याद रखना। बोलो cot x का दो को एक log sin x plus c
एक माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, इसको नोट करो, अभी चारों याद करवाइए। एक log secx plus c, एक माइनस log cos x plus c, दोनों याद रखना, बोलो tan का दो का, एक log secx plus c और दूसरा माइनस log cos x plus c, अब इसको पहले नोट करो, अभी याद कर जाना। एक बाबू एक चीज बताते हैं, 19.6 जो चैप्टर है, अगर ये चारों फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल आसान है, नहीं याद है तो उतना ही कठिन है। तो हम सबसे पहले करते हैं कि बेहतर तुम क्या पसंद करते हैं, ये चारों को याद कर जाना कि कठिन से उसको बनाना, याद कर जाना। तो सबसे पहले हम एक बार इसको पढ़ा देते हैं, तुम लोग इसको 5 मिनट का टाइम देंगे, फिर पूछेंगे, ठीक है? सबसे पहले छोटा तुम अपना लेते हैं, बोलो cot x का इंटीग्रेशन। देखो पढ़ने का दो तरीका होता है, एक चुपचाप कॉपी कर लिए, एक पढ़ने का तरीका जो है बोल बोल के, इतना भी बोल के नहीं कि बगल वाला टीचर करो, अपने मन मन में बोलो, मन मन करने का मतलब कि लिप्स थोड़ा फटफटाना चाहे, log cot x का ऐसी तरह से बोलना, log cot x का सॉरी cot x का log sin x plus फिर log माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस, जब बोलता है ना फिर आंख बंद करता है तो तुम्हारा नजर दौड़ता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ। देखो जैसे कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग, बोलो साइन एक्स प्लस, फिर बोलो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस, फिर उसी तरह से टैन टैन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस, फिर बोलो माइनस लॉग कॉस एक्स, है ना? इस तरह से याद करना। तो हम 5 मिनट का टाइम देते हैं और ये दोनों सिर्फ पूछेंगे, इधर नहीं, ये दोनों जल्दी चलो बताना। तो सबसे पहले cot x का log sin x प्लस, दूसरा माइनस log cos x प्लस, फिर से बोलो cot x का पहला log sin x प्लस, दूसरा माइनस log कॉसेक एक्स प्लस सी, काम करता है, ऐसे तो नहीं होता है क्या? हम बंद करते नीचे देखते हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? अगला बोलो टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी, दूसरा माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस, काम करता हूँ, याद हो गया? अब नीचे से बोलना स्टार्ट करो, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, दूसरा बताओ माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी, पहला बताओ log x log plus x sorry log sec x plus, बोलो cot का दूसरा बताओ, दूसरा माइनस log cos x plus c, पहला बताओ माइनस है माइनस इसमें log sin x plus c। देखो बताते हैं, ये छोटा है लेकिन बहुत बिगिनर है, आइए इससे बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है, है कि नहीं?
अगर सेकेंड्स का इंटीग्रेशन बोलेंगे तो लॉग सेकेंड्स प्लस टेन ए। दूसरा कॉट में बोलेंगे तो लॉग कॉट पाई बाय 4 माइनस 6 बाय 2। और टेन में पूछेंगे तो लॉग पाई बाय 4 प्लस 6 बाय 2। इधर को पढ़ा लेकिन आसान है। फिर इसी तरह से इसका मतलब तो कोसेक का क्या बोलेंगे लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। फिर अब प्लस रखा इसके बाद दूसरा बता लॉग टेन एक्स बाय 2 प्लस 3। देखो हल्का है ना भाई थोड़ा हमेशा लगता है वो हल्का कोई हट नहीं। दुनिया का वह सब चीज तुम्हारा होगा जिस पर तुमने ज्यादा टाइम दिया तो इसको मिटा दे। अब बुद्धि को जब जब को याद हमें नहीं करना एकता को जरा बताना तो सबका सेक एक्स डी एक्स का बता दो प्लस। दूसरा बताओ तो कोसेक एक्स का लॉग कोसेक एक्स माइनस ठीक है। तीसरा बताओ तो कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स प्लस सी ठीक है। आगे बताओ तो टैन एक्स का सेक एक्स प्लस सी। काम खत्म। कम से कम देखो को याद रखो क्योंकि ये इस चैप्टर में लास्ट में आएगा सब कोशर्मा में लास्ट में कोई खत्म होगा कोई खत्म होगा कोई तो जब खत्म होगा उसका फॉर्मूला लिख देंगे अब एक आंसर में मिल लो तो आंसर में इसका कई को होता है दो दो आर होगा फिर इसका भी कई होगा एक बार होगा इसका एक बार होगा इसका एक बार होगा इसका कोई बता तो एक बार क्या होगा इसका बता तो यही ना तो बढ़िया ही सबको घर में रख जाना। अब 19.6 पहला क्वेश्चन निकालेगा कितने ऊपर रख दो नीचे गिर जाओ। पहला क्वेश्चन बताओ क्या है चलो देखो कब नहीं रूट 1 माइनस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x है ना। सबसे पहले देखो अब इस चैप्टर में आ गया जितना उधर 22 फॉर्मूला पढ़ा था और चार को आर 22 और चार अगर ना 2600 इस चैप्टर में तुम्हारा खोला दिया तो बेकारी चैप्टर ठीक है। तो सबसे पहले तुम इसका फॉर्मूला हमें बताएगा बोलो 1 माइनस कॉस 2x टू साइन स्क्वायर एक्स है ना। फिर बताओ नीचे टू कॉस स्क्वायर एक्स टू से टू खत्म बोलो साइन बटे कॉस क्या होगा टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स से रूट बोलो टेन एक्स डीएक्स बताओ। अभी बताए थे टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस सी या और बताओ लॉग माइनस कॉस एक्स प्लस सी। किताब में देखो कौन आंसर ज्यादा उच्चतम रखता है एक की भी वाला जो रखे लिख तो देना हमें अभी फिलहाल सीख रहे हैं तो दोनों तो आए समझ में बोलो कितना आसान है कब आसान है कब अगर इसका फॉर्मूला पता है तब क्या प्रॉब्लम नोट तो कुछ आप कुछ करेंगे इसको इन्हें कुछ लगा देखो एक ही बात बोलते तुम लोग को मैं बार बार समझाता हूँ कि हमें समझाना हमें बस जानते हैं कि तुम किस तरह से समझो लिखना है या नहीं है कि इस पर हमें कुछ इनाम और प्राइज मिलने।
चलो मिटाया जाए इसको। बता, अगर हम अभी टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं याद करवाते, इसके बाद तुम कुछ कर सकता था? कुछ भी कर सकता था? आप बोलो कैसे बाबू? अगर तुम्हारे लिए एक रास्ता बंद होता है ना, याद रखना 100 रास्ता खुल जाता। अब बोलो कैसे? देखो, अगर हम टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं बताते, सीख लो, अगर कभी कंडीशन में टक जाना कि भूल गया तो क्या करना उस परिस्थिति में, तो यहां से फिर दूसरा तरह से हम बना सकते हैं क्या? टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स डीएक्स, ये भी प्रॉब्लम। अब तुम बताओ किसको पुट करने पर ऊपर वाला हटेगा? कॉस पुट करेंगे तो कनेक्ट हट जाएगा। तो बताओ पुट जेड बराबर क्या चीज? तो dz बटा dx बराबर क्या चीज? माइनस साइन एक्स। तो dz बराबर माइनस साइन एक्स dx। आप बोलो माइनस कहाँ चला गया? ऊपर। इधर आ गया ना, कहाँ आ गया? सुनो, ये ने माइनस में था, ये ने आ गया तो क्या होया? जब जीन को एक्सचेंज करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब डिजिट के साथ करते हैं ना तो आ गया। नाउ जरा बताना, तो साइन डी एक्स का मान हम क्या लिखेंगे? तो माइनस बाहर लिख दे, और इसका मान क्या जानता है? बन पाएगी। अरे इसको क्या पुट किया? जेड ना, तो लॉग जेड का इंटीग्रेशन, अरे बन पाए जेड का इंटीग्रेशन प्लस सी। अब बोलो माइनस लॉग जेड को क्या पुट किया है? कॉस एक्स प्लस का जेड। तब तो बोलते हैं अगर फॉर्मूला भूल गया तो साइन बटे कॉस अटक से मालूम आ गया कि नहीं आंसर? लेकिन किताब में कौन आंसर दिया? ये वाला है ना? क्या ये वाला है? तो हम तो पहले बता दिए हैं आर्यभट्ट के अनुसार इंटीग्रेशन का जितना मेथड से तुम बनाएगा आंसर उतना अलग अलग आएगा। अब वो लोग ऐसे बना देता कि तपक के चारों पलटता आंसर बन गया तो चल जाता डिप्रेशन। तो बता ये समझ में आया? चलो इसको मिटा दे। लेकिन तो यहां से कर देना सेकेंड मेथड से, जो लिखेगा उसके लिए बता रहे हैं। जो बेटा दू, चलो आगे बताओ कि रहने दे, बताना देखो तो बता देते तुम लोग को, रहने तो देते हैं लेकिन कल तुम लोग एक काम करके आना, ये त्रिकोणमिति फंक्शन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन में दिखाए तुम लोग को, जो 7-8 को कल वो आटो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है? अगर याद रहेगा बाबू तो ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो आसान होकर के भी कठिन हो जाएगा, बता देते, ठीक है? तो आज के लिए चलो।